धाय में अपन बहुत रात देख रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं धर्मांतरण करूंगा, मेरा धर्मांतरण भौतिक लाभ के लिए नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि अछूत रहते हुए मैं जिसे प्राप्त नहीं कर सकता हूं। मेरे धर्मांतरण के मूल में आध्यात्मिक भावना के सिवाय कोई दूसरा भावना नहीं है। हिंदू धर्म मेरे विवेक को स्वीकार नहीं है। हिंदू धर्म मेरे स्वाभिमान में नहीं बैठ सकता है। आपको आध्यात्मिक तथा भौतिक लाभ के लिए धर्मांतर करना आवश्यक है। कुछ लोग भौतिक लाभ युक्त धर्मांतर के विषय पर हंसते हैं तथा आपका उपहास करते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है। मरने के पश्चात आत्मा का क्या होगा यह बतलाने वाला धर्म धनी लोगों के वियोग का हो सकता है। खाली समय में ऐसे धर्म का भी विचार कर मनोरंजन किया जा सकता है। इस बात का विचार जिस धर्म में प्रमुखता से किया गया हुआ धर्म उन्हें सुलभ सहज मिलेगा, परंतु इस धर्म मेरे का जिनकी दुर्गति हुई है, जो अन्न वस्त्र को मोहताज हुए हैं, उनकी मनुष्यता लोप हुई है, ऐसे लोगों को भौतिक दृष्टि से धर्म का विचार नहीं करना चाहिए। तो क्या आकाश की ओर टकटकी लगाए देखते रहने चाहिए? इस धनाढ्य फिजूल वेदांत का गरीब जनता को क्या लाभ है? ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। धन्यवाद।